हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बच्चे के मन में, हर पेरेंट के मन में, हर टीचर के मन में, और यहाँ तक कि जो जो क्लास 12th के साथ जुड़े हुए हैं, सबके मन में सिर्फ अभी फिलहाल आज की डेट में और कहीं ना कहीं पिछले 10 दिनों से सिर्फ सबके मन में एक ही बात आ रही है कि क्या हमारे फाइनल बोर्ड्स एग्जाम होंगे या नहीं। सब यही सोच रहे हैं कि क्या हमारे एग्जाम होंगे या नहीं, और ये जो डिसीजन है और ये जो कन्वर्सेशन है उस दिन से कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया है जब से क्लास 10th के बोर्ड कैंसिल हुए हैं। तो मैं जो आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को ये बता रहा हूं एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, या जो जो अभी बात चल रही है पिछले 7 से 8 दिन में, क्या सीबीएसई कह रहा है, क्या न्यूज चैनल कह रहे हैं, क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और क्या ऐसे कंडीशंस हैं जब एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज यही बताने वाला हूं कि हमारे आसपास क्या बात चल रही है और सीबीएसई क्या चाह रहा है कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखिए, डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एक टाइम्स ऑफ इंडिया में जो सर्वे आया था, अभी जो न्यूज में आया है कि क्लास सीबीएसई हैज ऑलरेडी कैंसल्ड क्लास 10th एग्जाम एंड पोस्टपोन क्लास 12th एग्जाम। कहने का यही मतलब है कि 10th के एग्जाम तो हमारे कैंसिल हो ही चुके हैं और क्लास 12th के एग्जाम तब तक नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे मेंशन है, सीबीएसई टाइम्स ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया था कि क्लास सीबीएसई ने भी ये बात बोली है कि क्लास 12th के एग्जाम तब तक नहीं होंगे जब तक सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं हो जाते हैं। और सीबीएसई ने एक बात और बोली है कि सीबीएसई जो रिव्यू करेगा कि एग्जाम है या नहीं है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में करेगा कि क्या उस टाइम पे कंडीशंस अच्छी हैं, बच्चे एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ फर्स्ट जून से पहले कहना बहुत ही मुश्किल है। हम सभी सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि फर्स्ट जून तक ही कुछ कंक्लूसिव डिसीजन आने वाला है सीबीएसई की तरफ से। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे कि क्लास 10th के एग्जाम के लिए अल्टरनेट निकाला गया है कि इंटरनल असेसमेंट करके किया गया है, वैसे भी कोई क्लास 12th के भी इंटरनल असेसमेंट करके कुछ ऐसा करके एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और हमारे इंटरनल असेसमेंट पे हमको प्रमोट कर दिया जाए। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने लिखा हुआ है सोर्स TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐसा पब्लिश हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, ये रिपब्लिक वर्ल्ड की बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स ने ये क्या है, वी कैन लुक फॉर कॉन्टिन्यूस असेसमेंट विद 50 मार्क्स कैन बी कंसीडर एज ऑनलाइन। उनका यही कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा अल्टरनेट एग्जाम ढूंढा जाए जिसमें 50% हम ऑनलाइन एग्जाम के बेस पे एग्जाम ले लें और 50% जो बच्चे ने पूरे साल में परफॉर्मेंस की है, स्कूल अटेंड किए हैं, एग्जाम दिए हैं, उस बेस पे हम बच्चों को देख सकते हैं, 100% मार्क्स बना सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि 50% आप कुछ एक ऐसा पैरामीटर बनाइए जिसमें एग्जाम कर लिया जाए, जो एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, और क्योंकि ये साफ मेंशन किया गया है ऑफलाइन एग्जाम के लिए मना किया गया है, और 50% आप जो बच्चे ने जो 20 साल की परफॉर्मेंस रही है उसके बेस पे दिया जाए। नेक्स्ट, संयम भारद्वाज, जो हमारे हमको पता है कि सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उन्होंने यही कहा है कि अभी सीबीएसई पूरा का पूरा कंप्लीटली क्लास 10th का रिजल्ट बनाने में एंगेज है, क्लास 12th के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। ये संयम भारद्वाज जी की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले कि हम अभी क्लास 10th का रिजल्ट बनाने में पूरा फोकस कर रहे हैं, क्लास 12th का अभी हम किसी भी बेस पे क्या है क्या नहीं होगा हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जैसा जैसा, मतलब कहने का मतलब यही कि सीबीएसई ऑफिशियल ने यही कहा है कि सीबीएसई में फॉलो द असेसमेंट प्लान ऑफ क्लास 10th, बट इट्स टू अर्ली टू से, यही है बात कि अभी हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन जैसा क्लास 10th का मार्क्स बना है, क्लास 10th का जो हमारा क्राइटेरिया बना है मार्क्स बनाने के लिए, जो क्लास 10th के बेस के बच्चों जिस बेस पे प्रमोट किया जाएगा उस बेस पे ही कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो बच्चों को दिया जाए। लेकिन साथ में एक चीज और भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि 1 जून से पहले कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, 1 जून से पहले हम नहीं कह पाएंगे। देखिए सब अपनी तरफ से उम्मीद कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन आएगा वो 1 जून से पहले आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो रमेश पोखरियाल जी का जो ट्वीट आया था, स्टेटमेंट भी आया था, तो उन्होंने यही कहा था कि हम 1 जून की कंडीशंस को चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे।
यहाँ पे डॉक्टर रीमा सुनावत जो रीता सुनावत जो कह रहे हैं जो एक्सपर्ट है कि कैंसिलिंग सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम एक अच्छा आइडिया नहीं है, सीबीएसई को आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना चाहिए एग्जाम कराने के लिए। तो ये फेवर में है एग्जाम कराने के लिए, लेकिन इन्होंने एक चीज और भी कही है कि ऑफलाइन एग्जाम को छोड़ के कुछ एक ऐसा सोचा जाए कि जहां पे एग्जाम हो। ये रिपब्लिक इंडिया रिपब्लिक वर्ल्ड में पब्लिश हुआ था, उनका यही कहना है। लेकिन मैं जो आज की कंडीशन है उस कंडीशन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 30 जून तक एग्जाम होने के कोई भी बिल्कुल भी चांस नहीं है। इस चीज के लिए मैं 100% श्योर हूं कि 30 जून तक एग्जाम होने के 100% कोई भी चांस नहीं है। अगर एग्जाम होंगे भी तो अगस्त जुलाई या अगस्त में ही होंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हुए थे जो कंडीशन कोविड की है वो एज इट इज वही है। डेली 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। तो अभी सीबीएसई कुछ भी कहने से बच रहा है क्योंकि उनके पास एक और हमारे पास रीजन है कि अभी हम 10th का सीबीएसई रिजल्ट बनाने में बिजी है। 10th के रिजल्ट बनाने के बाद ही सीबीएसई कुछ कहेगा। तो आप लोगों को अभी 10 से 15 दिन और उम्मीद है मुझे कि वेट करना पड़ेगा। उस वेट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे या क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो सीबीएसई इसको अपनाएगा क्लास 12th का रिजल्ट देने के लिए। थैंक यू।